राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलियांवाला बाग नरसंहार में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की और कहा कि उन शहीदों की देशभक्ति की भावना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। साल 1919 में आज ही के दिन अंग्रेजी सेना द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी में सैकड़ों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी मारे गए थे। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बनाने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव में नगीना क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने जेब काटने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए मेट्रो में पर्स एवं बैग चुराने के आरोप में 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया और भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किए। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और बिहार के विकास के लिए 24 वादे किए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। राजधानी में सूरज की तपिश से लोग परेशान हैं। शुक्रवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मुरादाबाद विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़कर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि अच्छे निर्णय के साथ अच्छा परिणाम भी आता है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि भारत ग्लोबल पावर के रूप में किस प्रकार उभर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के विषय में चर्चा की। इसके साथ ही सीएम ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। आज मुझे अच्छा लगता है जब मुरादाबाद भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कार्य कर रहा है। मुझे याद है यहीं पर मैं आया था जब कुंवर सर्वेश सिंह जी सांसद थे। उस समय उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उस कार्यक्रम में आने के बाद उन्होंने उस समय मांग की थी कि मैं सांसद हूं तो मेरे मुरादाबाद में विश्वविद्यालय होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, हमने गुरु जम्बेश्वर के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी आपके मुरादाबाद को दे दिया है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी। ये विकास आज जो मुरादाबाद में ओडीओपी के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है, आज मुरादाबाद को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्य हो रहा है। आज ये मुरादाबाद का किसान हो या नौजवान, बेटी हो या व्यापारी, हर एक व्यक्ति आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो बहनों और भाइयों, इसलिए क्योंकि आपके हितों की चिंता करने वाली सरकार दिल्ली में भी बैठी है और लखनऊ में भी बैठी हुई है। हम जब अच्छा निर्णय लेते हैं तो अच्छा परिणाम भी आता है। जब भारत आज दुनिया के अंदर एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा हो, दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा हो, जब दुनिया के अंदर 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ रहा हो, बढ़ गया हो, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हो, भारत के अंदर विकास के अत्याधुनिक कार्य हो करके भारत आज दुनिया के अंदर तेजी के साथ उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ हो, उन स्थितियों में बहनों और भाइयों,
भारत के वैश्विक मंच पर भारत की सम्मान और सुरक्षा की बात हो या फिर भारत के विकास का कार्य, भारत को अत्याधुनिक विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य या भारत की आजीविका को, नौजवानों की आजीविका की चिंता हो या भारत की आस्था को सम्मान देने का कार्य, अगर ये सभी हो पाया है तो इसके लिए मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, इसलिए कार्य संभव हो पा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो अर्थव्यवस्था को गति देता है, एक मजबूती देता है, आगे बढ़ता है। आज रेलवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो की सुविधा, यूनिवर्सिटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की योजना, ये सभी नई पहचान बना रहे हैं। इन नई पहचान के माध्यम से नए भारत का दर्शन हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हुआ है। 50 करोड़ लोगों के लिए जनधन के अकाउंट देश के अंदर खोले गए। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। 12 करोड़ गरीब परिवारों के घर में एक एक शौचालय बनाने का कार्य हो या फिर 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन देने का कार्य हो। और यूपी में तो हमने ये भी किया है कि केवल सादी दाल नहीं होगी, अब दाल में तड़का भी होगा। अगर 12 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोगों को फ्री में सिलेंडर के कनेक्शन मिले हैं तो होली और दिवाली फीकी नहीं होगी, एक एक फ्री में सिलेंडर हम देने का काम भी करेंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन आ गए। विकास भी है, विरासत भी है, सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। इन सब को जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं और आप सबसे अपील करने के लिए कुंवर सर्वेश सिंह को फिर एक बार मौका मिलना चाहिए कमल चुनाव चिन्ह पर मुरादाबाद के लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी आपको सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी। भारतीय जनता पार्टी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए तीसरी बार आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आई। कुंवर सर्वेश सिंह जी को तीसरी बार, अब इस बार फिर से मौका देंगे ना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्राम आंडी में आयोजित विशाल जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि लोकसभा 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को मूल मंत्र मानते हुए जनता के लिए काम किया गया है और देश के गाँव, गरीब, मजदूर, हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई है। इसके साथ ही सीएम साय ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। आज के विशाल सभा में ये क्षेत्र के सभी हमर देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप मन के बीच में आए हो और आप मन बहुत आत्मीयता के साथ स्वागत करे हो, एकर लिए आप मला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और मोर तरफ से भी आपन के बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और 23 साल बाद मरवाही में कमल खिलाए हो, प्रणव कुमार मर बच्ची ला विधायक बनाए हो, ओकर लिए भी आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो ये कहे पर आए हो कि अभी ये जो लोकसभा के चुनाव है, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, कोई साधारण चुनाव नहीं है। हमर जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ओमला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए को वाला ये चुनाव है और आज 10 साल से ओमला प्रधानमंत्री के रूप में हमन देखा था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एला मूल मंत्र मानते हुए
पूरे देश के 140 करोड़ भारतवासी मन के लिए रात और दिन काम कर रहे हैं। देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर हर वर्ग के लिए चिंता कर रहे हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम कर रहे हैं और आप मल्ला ये मालूम है कि ये 10 साल में गरीब मन के लिए बड़े बड़े काम हुई से प्रधानमंत्री आवास देहे के काम, माता बहनी मन के गैस के सिलेंडर देहे के काम, खाता खोले के काम, तरह तरह के काम हुई से हमार पूर्वक्ता मन सबला बताइन हुई। और दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बनीन तो बड़े बड़े काम करीन, जो हमन जनसंघ समय से जो हमन नारा लगात रहें कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, महिला मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास करेंगे, ये सब बड़े बड़े काम उमन के दूसर कार्यकाल में हुई, ये सब आप मल्ला मालूम है। तो ऐसा व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी जो आज पूरे दुनिया में 140 करोड़ भारतवासी के मान और सम्मान बढ़ाए के काम करी से दुनिया में आज भारत के डंका बाजा थे, जो आने वाला समय में हमारे भारत देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करने वाला है। आज 10 साल में आर्थिक क्षेत्र में 11वें नंबर से 5वें नंबर में लाके खड़ा कर दिन और आने वाला 2029 तक विश्व के जो 3 बड़े आर्थिक महाशक्ति हुई उनमें भारत के नाम हुई, ये संकल्प लेने वाला हमर प्रधानमंत्री जी। तो ऐसा प्रधानमंत्री जी के चुनाव में और बड़ा सौभाग्य कोरबा लोकसभा क्षेत्र के कि हमर पार्टी सुश्री सरोज पांडे जी जैसा प्रत्याशी दी से। सरोज पांडे जी महापौर, विधायक, सांसद, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी में केंद्र के महामंत्री काका पद में नहीं रही ने, ऐसा रिकॉर्ड कि एक बार में विधायक भी रहीन, सांसद भी रहीन, महापौर भी रहीन, एक साथ में, ऐसा कोनो ला नसीब नहीं होए। और प्रखर वक्ता, ऐसा एक योग्य प्रखर वक्ता प्रत्याशी आपन के कोरबा लोकसभा क्षेत्र से सुश्री सरोज पांडे जी। आज एमनला आने वाला 7 मई के अपन बहुमूल्य वोट लोकतंत्र में जो जनता के हाथ में सबसे बड़े ताकत होते वोट के, वो वोट ला कमल छाप में बटन दबा के देना है। और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बना थे, लेकिन कोरबा लोकसभा के भी सहभागी होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। चले बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा लोकसभा के अंतर्गत गरुण में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, रोजगार के क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं के विषय में बताया। इसके साथ ही सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि ये हमारा चुनाव चल रहा है और 19 अप्रैल को मतदान होना है। मैं आप सबके बीच में आज भाई अजय टंका जी को हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में आपकी सेवा करने के लिए फिर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर भेजा है और इन्होंने पिछले 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा की है, अनेक कार्यों को इन्होंने आगे बढ़ाया है, अनेक काम इन्होंने शुरू किए हैं, टावरों का निर्माण से लेकर यहाँ पे हमारे बहुत सारे सौंदर्यीकरण के मंदिर वाला मिशन जो हमने चलाया है, उसमें भारत सरकार की स्वदेश योजना, उन योजनाओं में पैसा लाना, बड़ी बड़ी सड़कों के लिए यहाँ के लगातार उसकी पैरवी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो आस पास में हमारे अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में जो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उन सभी में भारत सरकार में हो या राज्य सरकार में हो आपके प्रतिनिधि के नाते लगातार ये काम करते रहे हैं। मैं आज
इन्हीं के लिए, आप सबसे आपका मत मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद देने के लिए, आपका समर्थन देने के लिए, और भाई अजय कंटा जी को यहाँ से भारी मतों से विजय बनाने के लिए, और जो वोट आप अजय कंटा जी को देंगे उसका एक एक वोट, जितना भी आप कमल के फूल वाला बटन दबाएंगे वो सारा का सारा मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे वोट माफ हो जाएंगे। भाई बहनों, हम सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री आपने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत बुलंदियों की ओर बढ़ा है, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर बढ़ा है, और पूरी दुनिया के अंदर भारत का टंका बढ़ा है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, पूरी दुनिया आज भारत के रूप का इंतजार करती है कि कोई घटना होती है, कोई विश्व में हलचल होती है तो पूरी दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है कि भारत क्या कहने वाला है। ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है भाइयों बहनों, 10 सालों में सड़क हो, अस्पताल हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हो, ये बड़े स्तर पर इनका निर्माण हुआ है, और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गया है। भाइयों बहनों, हम जानते हैं जहाँ कोरोना महामारी जैसी महामारियां आई देश के अंदर और अनेक परेशानियों का चुनौतियों का सामना किया गया, देश को भी चलाया गया, देश की ग्रोथ भी कम हमने दी, और आज दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाई बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में हम एक विश्व शक्ति के रूप में आज दुनिया में जाने जा रहे हैं, विश्व शक्ति के रूप में हम उभर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि आज प्रधानमंत्री जी के अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति है, नेतृत्व क्षमता है। भाइयों बहनों, दूरदर्शी और कुशल उनका हर तरीके से विजन है, उसी विजन का परिणाम है कि आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है, विशेष रूप से मैं आज यह त्योहार का दिन भी है, मैं आप सबका बहुत विशेष धन्यवाद अपनी माताओं बहनों का करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। सचमुच आपको देख के मैं कह सकता हूँ मोदी जी के प्रति, हम सब लोगों के प्रति, भाई अजय कंटा जी के प्रति आपके मन में अपार स्नेह है, अपार आशीर्वाद आप देने के लिए आए हैं। और एक बात मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, आज चूंकि कार्यक्रम भी लेट हुआ था, 1-1.5 घंटे पहले हम लोग आ गए, हमें अपने कार्यक्रमों में भी जाना है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी संख्या जितनी इस मैदान में है इससे ज्यादा लोग भाग घूम रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अजय जी कि आज बागेश्वर विधानसभा गरुड़ क्षेत्र से एक रिकॉर्ड को जितनी पिछले बार का रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड आपका टूटने वाला है। इस बार आपके लिए भी जो है ये हो रहा है कि अपने रिकॉर्ड आप खुद ही तोड़ दोगे। हम सबको मिलकर देवभूमि उत्तराखंड की अल्मोड़ा पिथौरागढ़ समेत 5 सीटों पर कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाई अजय कंटा जी को 19 अप्रैल को भारी मतों से विजय बनाएंगे, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मैं यही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ, अजय कंटा जी की तरफ से भी, मोदी जी की तरफ से भी आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान करना है, हर किसी को मतदान करना है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ शपथ समारोह की जानकारी देने हेतु आपके वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री गोपाल राय ने कहा कि रविवार 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस अवसर पर सीएम अरविंद केजरीवाल के संदेश और पार्टी की ओर लिए गए फैसलों के अनुरूप आम आदमी पार्टी संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ अभियान चलाएगी। इसके साथ ही आप नेता ने कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो देश के लोगों को एकजुट होना होगा और संविधान को बचाने का संकल्प लेना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के संदेश के मुताबिक पार्टी ने यह निर्णय लिया था
कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर पूरी पार्टी देश भर में संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस मनाएगी। अरविंद जी ने यह संदेश भेजा था, सरकार हमारे ऊपर हमारी पार्टी के ऊपर जितनी भी ज्यादतियां कर रही है वो हम सब बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इस समय पूरा देश लोकसभा चुनाव के दौर से गुजर रहा है। ये बहुत ही क्रूशियल समय है, क्योंकि जिस तरह से सरकार इस देश के अंदर संविधान के मूल्यों पर हमला कर रही है, ऐसे में अगर संविधान को बचाना है तो आज पूरे देश के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और ये संकल्प लेना पड़ेगा, ये शपथ लेना पड़ेगा कि हमें किसी भी कीमत पर संविधान के ऊपर हमला करने वाले लोगों को इस लोकसभा चुनाव से विदा करना पड़ेगा। उसके तहत पार्टी ने निर्णय लिया है कि कल 14 अप्रैल को देश भर में सभी राज्यों की राजधानियों में संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ का शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के अंदर ये शपथ समारोह पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय राउज एवेन्यू में आयोजित होगा, जहां पर पार्टी के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, सभी मंत्री, विधायक इस बात की शपथ लेंगे कि हम जो इस संविधान की मूल आत्मा है, उसका जो प्रियम्बल है, उसको पढ़ेंगे एक साथ सामूहिक रूप से और इसकी शपथ लेंगे कि इसको बचाने के लिए हम काम करेंगे। इसी तरह से देश भर में सभी राज्यों की राजधानियों में 24 राज्यों में ये शपथ समारोह का कार्यक्रम संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के रूप में ये शपथ समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जब से संविधान और लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने संयुक्त रूप से महारैली की थी, संविधान की मूल आत्मा लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र के जो प्रमुख पहलू है वो हमारा उसमें सबसे पहला है संसद। आपने संसद नहीं बनाई, लेकिन संसद के जो मूल आधार है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष है। सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिला करके भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पैदा होती है। लेकिन आपने नया संसद बनाया, उसमें नया इतिहास आपने क्या बनाया, एक साथ 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करके सदन से बाहर कर दिया गया और आपका लोकतंत्र जिंदाबाद है। अगर सारा विपक्ष बाहर रहेगा, सस्पेंड आप कर देंगे और उसके बाद जो मर्जी वो कानून पास करेंगे, तो ये संविधान पे हमला नहीं तो और क्या है? ये संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों पर हमला नहीं तो और क्या है? अगर आप इस देश को विपक्ष विहीन बनाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि इस देश में आप एक पार्टी की तानाशाही कायम करना चाहते हैं। यही लोकतंत्र पर हमला है, यही संविधान पर हमला है। भारत के संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा भारतीय लोकतंत्र का, उसके दो मुख्य पिलर हैं, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष। ये इसलिए जरूरी है कि जिससे कि कोई भी सत्ता अपने अहंकार में न डूब जाए, सदन के अंदर भी उससे सवाल पूछे जाए और सड़क के चुनाव के अंदर भी उसके अंदर इस बात का डर बना रहे कि जनता के पास विकल्प है, वो बदल भी सकती है। पूरा देश इससे चिंतित है, क्योंकि भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र भीख में नहीं मिला है हमें। भारत का संविधान और भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है और इसलिए पूरे देश के मन में शंका है, लोगों के मन में डर है। आपके लिए चुने हुए मुख्यमंत्री की कोई कीमत नहीं है और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के, बिना किसी FIR के, बिना किसी फैक्ट के आपने उठा करके जेल में बंद कर दिया। कहते हो कि पूछताछ के लिए, 10 दिन तो पूछताछ किया है आपके ईडी ने, दो दो बार तो अपने कस्टडी में लेके पूछताछ किया और अब एक चुने हुए मुख्यमंत्री से पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री को मिलने के लिए पहली बार समय दे करके कैंसिल कर दिया और अब आप कह रहे हो कि वो शीशे वाली खिड़की के पीछे से वो जा करके मुलाकात करेंगे। संविधान और लोकतंत्र बना, सत्ता पर और विपक्ष के लिए लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है। आज देश इस बात के लिए चिंतित है और जो कुछ हो रहा है ये पहली बार देश के अंदर हो रहा है, इसलिए देश के सभी लोगों से हमारी अपील है कि सबको मिलकर के ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास वोट का अधिकार है। कल पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस मनाएगी और उसके तहत राजधानियों में
संविधान की प्रस्तावना को लेकर के शपथ समारोह हम लोग करेंगे और इस संकल्प लेंगे कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के जिस भी कोने में रहता है वो इस संविधान को बचाने के लिए काम करेगा इस चुनाव में। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक नेता आगामी चुनाव में विजयी होने के लिए अपने अपने राजनीतिक दलों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं और जोरदार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान के लिए हरिद्वार उत्तराखंड में जनता को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि आज चुनाव का वक्त है, यह वक्त वोट डालने का है। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो गारंटी दी थी उन्हें पूरा किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसी सरकार बननी चाहिए जिसके लिए जनता सर्वप्रथम हो। चुनाव का समय है, लोकतंत्र की सुंदरता होती है ये कि चुनाव है, कि 5 सालों में एक बार आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने वोट से अपना भविष्य बदल सकते हो, है कि नहीं। और उस समय मेरे जैसे नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे किसी और दल के हों, आके आपको भाषण देते हैं। देखिए, आप पब्लिक हैं, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के लिए बहुत मेहनत की बहुत लोगों ने, आपके पूर्वजों ने की। अब आपकी बारी है कि आप भी मेहनत करें। क्या मेहनत? आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, जागरूक बने। जो पार्टियां कह रही हैं, जो स्कीम आपके लिए लाना चाहती हैं, देखिए कि भाई ये सच्चाई है कि नहीं। अच्छा, ये ऐसा कह रहे हैं, ओपीएस की बात हुई, क्या कांग्रेस के प्रदेशों में आज ओपीएस लागू है कि नहीं, पता करिए ना, क्योंकि लागू है। जो कांग्रेस ने गारंटी दी, क्या वो लागू है कि नहीं? क्या कर्नाटका में जो महिलाओं को कहा था कि 1500 रुपये आपको मिलेंगे, वो मिल रहे हैं कि नहीं? या शायद कर्नाटका में और थे, 2000 थे। आज हम कह रहे हैं कि हर गरीब महिला को 1,00,000 रुपए सालाना मिलेंगे, केंद्र देगी, केंद्र की सरकार देगी। आज हम कह रहे हैं कि अगर एक नवयुवक के पास रोजगार नहीं है, उसको सरकार पैसे देगी जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता है। अप्रेंटिसशिप की स्कीम है। तो ये सब बातें आप समझिए, इनको जानिए, क्योंकि इन्हीं से आपका भविष्य जुड़ा है। जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। तो अपने अनुभव पर उतरिए, अपनी असलियत को समझिए, और जो नेता आपके सामने हैं वोट लेने के लिए, उनको समझिए। परख लिया आपने, देख लिया है, बहुत हो गया है। इस बार जनता की सरकार बननी चाहिए। इस बार उस बेरोजगार नौजवान की सरकार बननी चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए। इस बार एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो सर्वप्रथम, जिसके लिए सर्वोपरि आप है, जिसके लिए सर्वोपरि आपके मुद्दे हैं, आपकी महंगाई कम करना, आपके रोजगार दिलवाना, आपके लिए शिक्षा की सुविधाएं, आपके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं, कि आप गर्व से कह सकते हैं कि मैंने ये सरकार चुनी, ये मेरी सरकार है। जब आप वोट डालने जाएंगे, और किसी का मत सोचिए, और किसी का मत सोचिए, ना मोदी जी का, ना किसी और का, अपना सोचिए, अपनी सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, और अपने भविष्य को बनाने के लिए एक ही सरकार आ सकती है, कांग्रेस की सरकार। आप सब ने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ कहिए, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।